सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोज हिंदी में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण चौधरी और आप देख रहे हैं करंस टेक ट्यूब। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से एक नॉर्मल इमेज को वेक्टर आर्ट इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी पिक आर्ट्स के थ्रू। वेक्टर आर्ट में इमेज बनाना काफी इजी है, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिक्स आर्ट फोटो एडिटर ओपन कर लीजिए। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। पिक आर्ट्स ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना और उसके बाद एडिट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और आप जिस भी फोटो को वेक्टर आर्ट में चेंज करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी इमेज में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको क्रॉप पर क्लिक करके रिमूव कर दीजिए। और राइट साइड में एरो वाले आइकन पर क्लिक करके सेव कर लीजिए। इसके बाद ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ब्रश वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ब्रश की साइज घटा या बढ़ा सकते हो, लेकिन ओपेसिटी को 100 पर फिक्स कर दीजिए। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद कलर टेबल पर क्लिक कीजिए और कलर पिकर पर क्लिक कर दीजिए। कलर पिकर का जो सर्कल आ रहा है उसको अगर आप अपने चेहरे के किसी भी हिस्से पर ले जाओगे तो कलर पिकर खुद से ही कलर एडजस्ट कर लेगा, आपको बार बार कलर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलर सेलेक्ट होने के बाद आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी इमेज पर जितना धीरे धीरे ड्रॉइंग करोगे आपकी इमेज में उतना ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने चेहरे पर ड्रॉइंग कर दीजिए। मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने। आपको अपने चेहरे के हर हिस्से पर इसी तरह से कलर कर देना है। इसके बाद बालों पर कलर कर देते हैं। इसके बाद ईयर पर क्लिक करना है, तो फिर से कलर पिकर पर सेलेक्ट करना है और ईयर पर ले जाकर के कलर चूज कर लेना है। सेम कलर आपको अपनी गर्दन के नीचे करना है। इसके बाद आप अपनी शर्ट पर भी कलर कर दीजिए। आप ये कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इतना काम हो जाने के बाद आपको सनग्लासेस के फ्रेम पर ब्लैक कलर कर देना है। और सनग्लासेज में आप जो भी कलर फिल करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ स्काई कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। वेक्टर इमेज रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी बैकग्राउंड हटाना बाकी है। तो पहले आप थ्री डॉट पर क्लिक करके अपनी इमेज को सेलेक्ट और दोबारा से पिक आर्ट्स को ओपन कीजिए। तो फिलहाल हमने जो इमेज एडिट की थी उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कटआउट पर क्लिक करना है और मेन ऑब्जेक्ट पर ड्रॉ कर देना है। राइट साइड में एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद मेन ऑब्जेक्ट पूरी तरह से सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी सेलेक्ट हो गया है, तो उसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद आई वाले आइकन पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके बाद इमेज को सेव कर लीजिए। आप इस इमेज को भी गैलरी में सेव कर सकते हो या सीधा ही ड्राइंग के अंदर जा सकते हो। ड्राइंग के अंदर जाने के बाद आपको कलर टेबल ओपन करनी है और कलर टेबल में से जो भी कलर आप बैकग्राउंड में देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ येलो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और पूरी इमेज पर ड्रॉ कर देना है।
इसके बाद लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और फर्स्ट लेयर को सेकंड पोजीशन पर ड्रैग कर दीजिए। इमेज का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। आप इसी तरह से और भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो। और फाइनली थ्री डॉट पर क्लिक करके इमेज को गैलरी में सेव कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि इस तरह की और भी वीडियोज आप देख सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।